तो ग्रंथाकार वर्णन करते हैं कि ईश्वरानुग्रहे साम साधु नाम च प्रपालनम। बहुत ध्यान से सुनिए, राजा ने अपने पुत्र को कहा, बेटा ईश्वर की जिनके ऊपर बड़ी अनुकंपा है उसे ही साधु कहते हैं। ईश्वर ने जिनको संभाला है पुत्र उसे साधु कहते हैं। इन महापुरुषों के ऊपर ईश्वर का अनुग्रह है। अपराधानुसारेण धर्म शास्त्रम विलोक्य च, पुत्र जिन्होंने अपराध किए हैं उनके साथ कभी भी मत रहना। जो सधे हुए हैं और भगवान के चरणों से जुड़े हुए हैं ऐसे महापुरुषों की कभी संगति मत छोड़ना। इस पिता ने अपने पुत्र को ऐसी अद्भुत बातें बताई हैं। बेटा धर्म शास्त्रों का अध्ययन नित्य करना, विद्वानों के साथ रहना, राजा के जितने भी धर्म थे वो सब बताए, प्राण संकट में आने पर भी जो सत्य का त्याग नहीं करते हैं बेटा वो अच्छे लोग हैं, ऐसे लोगों का संग करना। प्राणों पर आफत आ जाए तो भी अपने धर्म का त्याग न करें, ऐसे महापुरुषों की कभी संगति मत छोड़ना। परे व्याकुलते यानह अधर्माया प्रचिक्षते चार दृष्टि दूतवक्त्रम उद्दंडोपि नपो भवेत। वर्णन किया गया है जो अधर्म और अन्याय में ग्रसित हैं भूल करके भी ऐसे लोगों की कभी संगति मत करना। अधर्मो यद निंदेत स्तुभित यदि वाक्वचित। क्या कहा गया कि ऐसा धर्म जिसमें अधर्म छिपा है ऐसा धर्म जो अधर्म को पैदा कर रहा है बेटा उससे सदैव बच करके रखना।